सोनिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे पूछूं कि नहीं पूछूं। क्यों, तुम कुछ भी पूछ सकते हो बुद्धि, पूछो जो पूछना है। आप पता नहीं तुम बुरा मान गई तो? बुरा क्यों मानूंगी, कभी कभी तुम बच्चों की तरह और कभी कभी समझदारों की तरह बातें करते हो। अब तो पूछो कि क्या पूछना है, कि उसके लिए भी टाइम लगा। आर्यन, अरे डरो मत, मैं तुम लोगों पर गाड़ी नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि तुम लोग मेरी गाड़ी में चढ़ जाओ। ओह सॉरी सॉरी, मुझे मैनेज के साथ पूछना चाहिए। क्या बंदा तुम्हें घर छोड़ने की खुशी पा सकता है? नो थैंक्स, मैं घर चली जाऊं। कैसे? अच्छा ठीक है, ऑटो के पैसे मुझे दे देना, मैं अपनी धंधों के लिए चने खरीद लूंगा, मतलब पेट्रोल। बस बस बस, आर्यन यू आर इम्पॉसिबल, कम ऑन, बाय। अरे बोधी, तुम भी चलो, तुम्हारा घर तो रास्ते में ही है। हाँ बोधी आ जाओ, मेरी धनो तुम्हें भी पसंद करती है, कम ऑन। तो ये है आपकी धनो, अगर ये धनो है तो तुम्हारा नाम बसंती क्यों नहीं? जेंडर के फर्क की वजह से। पता नहीं कहां से आती है इसके पास इतनी बातें, पक 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 पक। तुम्हारा घर आ गया। थैंक्स। बाय बुद्धि। बाय। टेक केयर। गुड नाइट। थैंक्स। थैंक्स मुझे यहां छोड़ने के लिए, और इसके लिए भी। बहुत बोर हो गया हूं तुम्हारी रोज की पक पक सुनकर, लेकिन अब बस हो गया, अब तुम्हें चुप कराने का टाइम आ गया है। एक और किस्सा याद है, वो भी सुनाता हूँ। नहीं यार प्लीज, नहीं लगा प्लीज, नहीं रियली पास पास मैं तो मारूंगी। और कुछ नहीं सुनाता, अगली बार जरूर सुनाऊंगा। ओके बाय बाय। इस हंसी को किसी की नजर ना लगे। हेलो बोधी, मैं बोल रहा हूं। काम हुआ? सोनिया से बात हुई कि नहीं बोधी? करने ही वाला था, लेकिन वो पगपग आर्यन आ गया, उसके पगपग के बीच में मैं क्या बोलता, इतना अच्छा मौका था और सोनिया भी खुश थी। चलो कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, उसके पगपग सुन के, उसके पगपग सुनते मेरा दिमाग सहलग जाता है। रिलैक्स बोधी, सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ना? होता तो है, लेकिन लेकिन अब नहीं होता सब। रिलैक्स बोधी, तुम्हें अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ओके। तुम्हारे लिए कम और मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि देखा जाए तो आयुष ने तुमसे कहीं ज्यादा मेरा नुकसान किया है। अब वक्त आ गया है कि आयुष्मान से उन सब बातों का हिसाब लिया जाए। संभल के आयुष्मान। डॉक्टर आयुष्मान। गुड इवनिंग डॉक्टर काव्या। काव्या, मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे ये लोग? पहले ठीक तो हो जा। जानती हो, इतने टाइम से मैं वरदान में हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे यहां रहने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि इतने दिनों से तुम एक डॉक्टर थे, आज पहली बार पेशेंट बन के आए हो, इसलिए जल्दी से ठीक कर दो ना मुझे प्लीज। बहुत बोर हो रहे हो। बहुत, इतना बोर शायद मैं जिंदगी में पहले कभी नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बोरियत का इलाज है। क्या? आंखें बंद करो। क्या? अरे बाबा, आंखें बंद करो। तुम्हारे वरदान में एक ऐसी डॉक्टर है जो अपनी मरीजों का मन जानती है। लेकिन काव्या, आंखें बंद। अब आंखें खोलो। काव्या, ये सब? सर, योर डिनर इज रेडी। ग्रेट। अब प्लीज थैंक यू मत कहना। हाँ, बहुत फॉर्मल साउंड करता है। आओ। मॉर्निंग सोनिया। गुड मॉर्निंग मॉम। अब से मैंने ये टाइम फिक्स कर लिया है मेरी बेटी से मिलने के लिए, ठीक है? क्यों मॉम, मैं आपको रोज दिखती नहीं क्या? दिखती तो बहुत है मेरी बेटी, लेकिन हमेशा जल्दी में रहती है। अच्छा ये बता सोनिया, आर्यन अभी है कहाँ? उस दिन के बाद तो घर पर आया ही नहीं। मुझे लगता है कि जितनी तारीफ वो कर रहा था पराठों की, उतनी अच्छी लगी नहीं। क्यों? मॉम,
मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया आपने नाश्ते में? पराठों का नाम लेते ही आपने सोनिया चीमा? देख मैं जानती हूँ कि आर्यन तुझे पसंद करता है। क्या तू आर्यन को पसंद करती है? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू हंसती है, खुश रहती है। आर्यन ने तो मुझे अब मेरी सोनिया लौटाई है। मुझे और कुछ नहीं बेटा, बस तेरी मुस्कान चाहिए। मॉम, मैं अपने हिस्से का प्यार जीत चुकी। बेटा जिंदगी अपने हिसाब से चलती रहती है, तू चाहेगी भी तो भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन हाँ बेटा, अगर तू चाहती है तो जिंदगी नए सिरे से जी सकती है, अपनी रास्ते बदल सकती है और अपनी मंजिल भी। हाँ जब तू जानती है कि तू जिसे अपनी मंजिल मानती थी वो तेरी मंजिल है ही नहीं। बेटा आर्यन तुझे खुश रखना चाहता है और मैं भी। मॉम, आर्यन मेरे बचपन का दोस्त है, बस। नहीं सोनिया, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है वो दोस्तों को भी नहीं पता चलता। बस उसका एहसास दिलाना पड़ता है। मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम्हें आयुष से प्यार है ना? आयुष के साथ तुम्हारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और भी है ना? तुम्हारे लिए, तुम्हारा अंताक्षरी का कंपटीशन था ना सोनिया? बोली ये लो और खेलो तुम लोग, ठीक है? हेलो बुद्धि। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। बुद्धि, तुम कल मुझसे कुछ पूछने वाले थे ना? क्या पूछना चाहते थे? क्या तुम आर्यन को पसंद करती हो? बुधी ये क्यों पूछ रहे हैं? देखो, तुमने कहा था तुम जवाब दोगी और सच भी कहोगी। क्या मैं बुधी को सच बता दूं? नहीं नहीं नहीं, कहीं बुधी ने आयुष को बता दिया तो? तुम क्यों पूछ रहे हो बुधी? बस यूं ही। तुम्हें नहीं अच्छा लगता? हमेशा खुश रहना, बिना किसी बात पर हंसते रहना, कोई भी नई जगह जाकर उसे अपना घर बना लेना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी अनजान इंसान को वो अपना दोस्त बना लेता है, हमेशा खुश रहता है। मैंने उसे कभी उदास नहीं देखा। मुझे लगता है वो हवा का एक ऐसा झोंका है जो रेगिस्तान में भी फूल खिला दे। आर्यन मुझे बचपन से प्यार करता है। It's very funny, I mean, you can't describe him.
बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बोजी, थैंक्स। चलो तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। सब शतरंज का कमाल है, जैसा हम सोचते थे वैसे ही चाले पड़ रही है। गुड, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। तो अब तैयार हो तुम अपनी अगली चाल के लिए? अगली चार चालों के लिए। गुड। आप हमें मिलने आए और मिले बिना ही चल दिए। सोनिया, आप हमें ढूंढे और हम ना मिले, हम इतने मगरूर तो नहीं? वेरी फनी, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं बैठे बैठे देख रहा था कि कौन कौन मुझे ढूंढने आता है, और सबसे पहले तुम आई। आर्यन, आज मम्मा पूछ रही थी और फिर बाद में बोधी ने भी पूछा। क्या पूछा था? कि हम लोग शादी कब कर रहे हैं? ओके, क्या कहा तुमने? मुझे लगा कि बोधी आयुष को जाके बता देगा, तो मैंने कह दिया कि मुझे आर्यन पसंद है। यानी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? प्लीज आर्यन, प्लीज। ओके आर्यन, मुझे लगता है कि हमारे इस नाटक से कहीं मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट ना कर दूं। नहीं करोगी, क्योंकि हम ये नाटक जिंदगी भर करते रहेंगे। मम्मा आज ही दिल्ली गई और दो दिन के बाद पापा के साथ वापस आ जाएंगी। आई एम श्योर पापा आने के बाद मुझसे यही सवाल करेंगे। डोंट वरी, उनकी खुशी के लिए मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। मुझे लगता है कि अब हमें यह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम ये नाटक कर रहे थे वो दोनों खुश हैं। हमारे इस नाटक की वजह से आयुष और काव्या करीब आ रहे हैं। आयुष, मुझे लगता है कि सोनिया और आर्यन एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अच्छा है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि हम दोनों में से किसी एक को सोनिया से बात करनी चाहिए। खाना माइक्रोवेव में रखा है, मुझे मालूम है तुम कब आओगी, इसलिए 10 बजे का टाइमर है, जल्दी से खा लेना। मॉम, कौन है? क्या मजाक है? कौन है? अच्छा मजाक, अब सामने भी आ जाओ। कौन है? सोनिया, तुम सिर्फ मेरी,
मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी।